लोकसभा चुनाव के दौर में राजस्थान में एक बड़ा उठापटक का दौर चल रहा है। इससे सबसे बड़ा फेरबदल कुछ देर पहले हुआ, जब हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने नागौर सीट से हनुमान बेनीवाल को चुनाव लड़वाने की घोषणा कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नागौर से आरएलपी के उम्मीदवार के रूप में हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे और भाजपा उनका समर्थन करेगी। इस मौके पर विधायक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी भाजपा और एनडीए के समर्थन में प्रचार करेगी। प्रदेश हरियाणा और साथ ही यूपी में भी हमारे कार्यकर्ता भाजपा का साथ देंगे। गठबंधन करने से पहले हमारे कार्यकर्ता कह रहे थे कि यदि गठबंधन करना है तो भाजपा और एनडीए के साथ करें, क्योंकि कांग्रेस देश का भला नहीं कर सकती और ऐसे में फिर से नरेंद्र मोदी को पीएम बनाकर देश को मजबूत बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने इसे खुशी की बात कही। आपको बता दें, बाड़मेर से भी कोई गठबंधन का उम्मीदवार उतारा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसकी भी पूरी उम्मीद है। लेकिन इस राजस्थान में चुनावी दौर में लोकसभा चुनाव के उठा पटक में एक बड़ा फेरबदल यहाँ ये रहा कि आरएलपी यानी कि हनुमान बेनीवाल और उनके सारे समर्थक और कार्यकर्ता भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। और अब इस चीज का आधिकारिक तौर पर घोषणा भी हो चुकी है कि भाजपा हनुमान बेनीवाल को समर्थन देगी और हनुमान बेनीवाल नागौर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। नागौर से चुनाव लड़ेंगे हनुमान बेनीवाल। ये बड़ा फेरबदल राजस्थान में। इस तरह की कोई सीटों की मांग नहीं रखी हमें। सुनो मेरी बात, हमें कांग्रेस को सबक सिखाना है, मुख्यमंत्री के बेटे को भी चुनाव हराना है, सारा काम हम मिलकर। अच्छा तो सब प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते मिला था मैं, वो तो मिलते रहते हैं। मुकाबला खड़ा होगा। देखिए मैंने गठबंधन किया है और बाकी सवालों के जवाब मैं और अलग से पीसी करके दे दूंगा। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अनिल जी, राजस्थान में लोकसभा चुनाव में इतना उठापटक और इतना बड़ा फेरबदल कि हनुमान बेनीवाल यानी कि आरएलपी भाजपा को समर्थन कर रही है और अब तो आधिकारिक तौर पे घोषणा हो चुकी है कि नागौर से हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ अपडेट है? ज्योति, ये भाजपा और कांग्रेस के बीच में विधानसभा चुनाव में मतों का अंतर बहुत थोड़ा सा था। भाजपा इस कोशिश में थी कि मतों के इस अंतर को पाटा जाए। हनुमान बेनीवाल को साथ देने से ये लगभग तय हो गया है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच जो मतों का अंतर था विधानसभा चुनाव में वो अर्थमेटिकली खत्म हो गया है। जी, यानी जितने वोट भगवान हनुमान बेनीवाल की पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिले, अगर वो भाजपा के मिले वोटों में जोड़ दिया जाए तो कई सीटों पर परिवर्तन होता है नतीजे का और अर्थमेटिकली भाजपा कांग्रेस के बराबर खड़ी हो जाती है। अब हनुमान बेनीवाल को इसलिए कि सीआर चौधरी को लेकर भाजपा कभी भी आश्वस्त नहीं रही कि वो चुनाव जीत पाएंगे। सारे केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे दिए गए तो भी सीआर चौधरी का टिकट रोक कर रखा गया, रणनीतिक तौर पर रोक के रखा गया, लेकिन सीआर चौधरी की परिवार में अजय किलक जो उनके भांजे हैं कैबिनेट मंत्री थे बुरी तरह हार गए, बिंदु चौधरी उनकी भांजी है वो चली गई कांग्रेस के साथ, तो बार बार सर्वे रिपोर्ट खिलाफ आ रही थी सीआर चौधरी के। भाजपा के लिए नागौर कभी भी गढ़ नहीं रहा, हालांकि भंवर सिंह डांगावास पहले सांसद रहे वहां पे, लेकिन वो किसी मिर्जा के खिलाफ सारा अदर कास्ट एक हो जाए यूनाइट हो जाए इस तरह की बातें होती थी, इतनी जीती थी, अदरवाइज बेस वो कांग्रेस का ही है। तो जाट राजनीति में कांग्रेस के बेस को हिलाने के में भाजपा आज थोड़े कामयाब हुई है और इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो सिर्फ नागौर में नहीं बल्कि जोधपुर की सीट पर भी आएगा और बाड़मेर जैसलमेर की सीट पर भी आएगा। और जो सबसे दूर की कौड़ी है जिस पर शायद ही किसी की नजर जाए कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट राजसमंद की सीट पर आने वाला है, जहां से भाजपा शायद दिया कुमारी को चुनाव लड़ा है, जयपुर राजघराने की जो राजकुमारी हैं और जो सवाईमाधोपुर से पहले एमएलए थी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी इनको भेजा जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर नहीं जाएगी कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली बात है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी से मेड़ता में विधायक है इस वक्त एक महिला,
जी। और मेड़ता राजसमंद विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में आता है, इसलिए मेड़ता और डेगाना दो सीट जो कि राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में आती है वहां पर भाजपा बढ़त लाने की स्थिति में आ जाएगी हनुमान बेनीवाल के साथ से। तो एक सीधा इम्पैक्ट जिसकी पे नजर आसानी से लोगों में जाएगी वो है राजसमंद, दूसरा इम्पैक्ट जाएगा जोधपुर पे, और नागौर तो भाजपा और हनुमान बेनीवाल एक हो जाए तो कांग्रेस के लिए जीतना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगा। और हनुमान बेनीवाल चूंकि कर्नल सोनाराम के साथ गुफ्तगू में काफी समय से हैं तल्लीन, और हनुमान बेनीवाल की पार्टी को या तो बाड़मेर सीट दे दी जाए मानवेंद्र सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए, या कर्नल सोनाराम को मना के रखा जाए और भाजपा महेंद्र सिंह जो आईपीएस हैं या कैलाश चौधरी जो बायतुक हैं उनको किसी को टिकट दे तो कर्नल सोनाराम बगावत ना करें, ये जिम्मेदारी भी मैं समझता हूँ हनुमान बेनीवाल पर डाली गई होगी। तो बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर नागौर और राजसमंद चार सीटों पर सीधा असर इस मूवमेंट का, इस ये जो नया मूवमेंट हुआ है इसका पड़ने वाला है। जी अनिल जी, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल हमेशा से अपने बयानों के लिए मशहूर रहे हैं और अभी भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश जावड़ेकर उनके साथ मौजूद रहे, उन्होंने आधिकारिक तौर पर नागौर से चुनाव लड़ने की घोषणा की, उसके उपरांत प्रेस वार्ता में उन्होंने जैसा कि आपने बोला कि बाड़मेर जोधपुर नागौर राजसमंद सभी सीटों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लेकिन जोधपुर सीट पर विशेष तौर पर हनुमान बेनीवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि मैं भाजपा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के बेटे को हराने का काम करूंगा, इस पर आपका क्या कहना है? इन्हीं हनुमान बेनीवाल की थोड़े दिन पहले कांग्रेस से बातचीत चल रही थी चूरू विधानसभा सीट को लेके, लोकसभा सीट को लेके क्षमा करें, लेकिन वो पार सिरे नहीं चली बात और कांग्रेस से बात करते करते भाजपा की तरफ चले गए। इनका इनका जो खुद का फोकस था वो नागौर की सीट पर था, नागौर सीट कांग्रेस देने को तैयार नहीं थी इसीलिए कांग्रेस इनकी बात टूटी और अब भाजपा की तरफ आ गए। ये वसुंधरा राजे के खिलाफ पूरी तरह जहर उगलते रहे हैं, ऐसे ही अशोक गहलोत के खिलाफ भी जहर उगलते रहे हैं, तो दो में से एक के खिलाफ तो इनको होना ही था इसलिए अशोक गहलोत के खिलाफ हो गए। लेकिन वसुंधरा राजे को जब पार्टी ने अपने नेतृत्व से थोड़ा साइडलाइन किया हुआ है और प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय नेतृत्व सीधे लोकसभा सीटों पर फैसले कर रहा है, इसलिए हनुमान बेनीवाल के लिए थोड़ा सहज स्थिति हो गई कि वो भाजपा के साथ जा सके जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हनुमान बेनीवाल सोच रहे हैं जोधपुर में करने का, ये जाट साइकी ये है कि राजपूत प्रत्याशी को जाट सामान्यतः वोट नहीं देते जी, जी। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के प्रत्याशी हैं और जाट उनके साथ जाएंगे, ये बहुत ही बड़ी घटना होगी अगर हनुमान बेनीवाल के प्रयास से चले गए। और हनुमान बेनीवाल जब खुद चुनाव लड़ेंगे तो जो उनके लोहावट के कार्यकर्ता हैं और केवसर के कार्यकर्ता हैं वो सब नागौर में लग जाएंगे आकर, जो नौजवान वर्ग है जी। तो इसलिए वो जो इफेक्टिव वर्ग है जाटों का बुजुर्ग वार लोग वो तो वहां रह जाएंगे लेकिन नौजवान सारे नागौर में आके काम में लग जाएंगे, तो उतना नुकसान वो नहीं पहुंचा पाएंगे वैभव गहलोत को जितने नुकसान की वो कल्पना करके इस वक्त चल रहे हैं जी। अनिल जी, जिस तरह से भाजपा अपने बाकी बची हुई शेष सीटों पर बहुत सोच समझ कर प्रत्याशी घोषित कर रही है, तो क्या उम्मीद है जिस तरह से एक भी महिला उम्मीदवार, भाजपा ने अभी तक कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा लोकसभा रण में, क्या पूरी उम्मीद है कि राजसमंद से दिया कुमारी के खिलाफ, क्योंकि लगातार उनके खिलाफ समर्थन नहीं मिल रहा है, लोग उनके खिलाफ है एक तरह से, तो क्या उम्मीद है कि राजसमंद से दिया कुमारी को ही मैदान में भाजपा उतारेगी? मुझे लगता है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला ले लिया है और वसुंधरा राजे चूंकि दिया कुमारी के खिलाफ है पूरी तरह इसलिए फैसला रुका हुआ है। आज के इस गठबंधन के बाद फैसला लेने में आसानी होगी बीजेपी को और शायद दिया कुमारी के पक्ष में फैसला हो, और बाड़मेर से भी किसी महिला को टिकट दिया जा सकता है, ये चर्चा में बात है जी। अभी इसको हम खुलासा नहीं करना चाहते जी। लेकिन बाड़मेर में महिला को टिकट दिया जा सकता है जाट महिला को, और यहाँ पर राजपूत महिला को टिकट दिया जाता है दिया कुमारी को राजसमंद में, ये इस बात की काफी चर्चा और संभावना है जी। अनिल जी, साथ ही चर्चाओं में ये भी गर्म है माहौल इन दिनों की, बाड़मेर से कोई गठबंधन का उम्मीदवार उतारा जा सकता है, इस पर क्या कहना है आपका? मुझे मुश्किल लगता है गठबंधन का उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल की सहमति से उतारा जाएगा, ये संभव है जी। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि रोचक मुकाबला हो चुका है, भाजपा ने हनुमान बेनीवाल को नागौर सीट से उतार दिया है मैदान में, और अब आरएलपी भाजपा का पूरा समर्थन करती नजर आएगी।
आपको बता दें नागौर में हनुमान बेनीवाल जहां भाजपा से प्रत्याशी हैं, वहीं कांग्रेस से ज्योति मिर्धा। ये मुकाबला बहुत ही रोचक होने वाला है। भाजपा अपना एक एक उम्मीदवार अब बहुत सोच समझ के उतार रही है। अब भाजपा के हो चुके हैं हनुमान बेनीवाल। आरएलपी अब भाजपा को समर्थन कर रही है और इसी के तहत अब आधिकारिक तौर पर प्रकाश जावड़ेकर के साथ ये घोषणा हो चुकी है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हनुमान बेनीवाल ने कि वो नागौर सीट से चुनाव लड़ेंगे। नागौर सीट से जहां कांग्रेस ने ज्योति मिर्धा को उतारा तो वहीं भाजपा ने आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल को रण में उतार दिया है। राजस्थान में उठापटक का दौर लगातार जारी है और एक बड़ा फेरबदल देखा गया। लोकसभा चुनाव राजस्थान में जहां भाजपा और आरएलपी के बीच गठबंधन हो चुका है और हनुमान बेनीवाल अब नागौर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और ज्योति मिर्धा को सीधी टक्कर देंगे। भाजपा और आरएलपी के बीच गठबंधन हो चुका है। और इसका सीधा असर नागौर के साथ साथ बाड़मेर, जोधपुर और राजसमंद सीट पर भी पड़ेगा। भाजपा अपनी शेष बची हुई सीटों पर उम्मीदवार घोषित अब बहुत सोच समझ कर कर रही है और इसी के तहत आरएलपी और भाजपा के बीच गठबंधन हो चुका है और हनुमान बेनीवाल नागौर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और ज्योति मिर्धा को सीधी टक्कर देते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव में एनडीए का घटक दल है आरएलपी। हनुमान बेनीवाल अब लोकसभा चुनाव की सीट अब नागौर तय हो चुकी है। आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा भी हो चुकी है। भाजपा और आरएलपी के बीच गठबंधन, लोकसभा में एक बड़ा फेरबदल।